हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिडक्टिव मेथड या जिसे हम निगमन विधि भी कहते हैं। गणित शिक्षण का ये दूसरा मेथड है। इससे पहले हमने आगमन विधि के बारे में देखा हुआ है जिसे हम इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं। आज का टॉपिक डिडक्टिव मेथड है। आगमन और निगमन विधि ऐसे तो आपस में जुड़े हुए रहते हैं क्योंकि ये दोनों ही विधि जो है एक दूसरे के पूरक है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि आगमन विधि का प्रयोग निगमन विधि के बिना अधूरा है। जैसा कि आगमन विधि में हमने देखा था कि पहले हम ऑब्जर्वेशंस बताते हैं एंड देन स्टूडेंट्स कंक्लूजन फाइंड करते हैं, निगमन विधि यानी डिडक्शन जो मेथड है, डिडक्टिव मेथड, इस मेथड में छात्रों को पहले कंक्लूजन बता दिया जाता है। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो नियम होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं, या जो भी सिद्धांत या जो थ्योरीज होते हैं, वो थ्योरीज पहले छात्रों को बता दिए जाते हैं और उसके बाद उस कंक्लूजन या उस थ्योरी या उस सिद्धांत का प्रयोग करके डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस जो है वो छात्र जो है ऑब्जर्व करते हैं। यानी निष्कर्ष बता दिया जाता है, उस निष्कर्ष का प्रयोग करके छात्र जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ही लेते हैं कि सूर्य के उगने वाला एग्जांपल जो हमने आगमन विधि में प्रयोग किया था, निगमन विधि में छात्र को बस एक बार ये बता दिया जाता है कि हर रोज सूर्य उगता है और सूर्य डूबता भी है। तो ये रूल बता दिया गया। अब छात्र जो है सुबह उठ करके सूरज का उगना हुआ देखता है, शाम को वह सूरज का डूबना देखता है। इस तरह से वो जनरलाइज करता है, यानी एक पर्टिकुलर थिंग जो होता है वो पर्टिकुलर विशिष्ट चीज़ें उसे बता दी जाती है और उसके बाद छात्र जो है वह सामान्य तरीके से हर रोज उस एग्जाम्पल को देखता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कंक्लूजन्स पहले बता दिए जाएं और उसके बाद ऑब्जर्वेशन प्राप्त हो। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये फॉर्मूला छात्रों को बता दिया गया है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। अब छात्र जो है इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं या बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं। तो ये होता है निगमन या डिडक्टिव मेथड। इसके कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं, जैसे जनरल टू पर्टिकुलर, यानी एक सामान्य सिद्धांत जो है, यानी जनरलाइजेशन से यहाँ विशिष्ट की ओर आते हैं, सामान्य से हम विशिष्ट की ओर पहुँचते हैं। जैसे मैंने कहा भी कि उन्हें सामान्य चीज़ें जो है वह बता दी जाती है कि सामान्य इस तरह से सूरज उगता है और डूबता है, या जो हरे फल होते हैं वो खट्टे होते हैं। अब वो कोई भी हरा फल वो देखेगा तो वह एक पर्टिकुलर थ्योरी पे आएगा कि नहीं ये ग्रीन है मतलब ये खट्टा है, वो ऑब्जर्व करके उस चीज़ को देखेगा। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, यानी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज से जो है वह कॉन्क्रीट तक पहुंचता है। एक दिए गए एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को कॉन्क्रीट फॉर्म में वो चेंज करता है अपने माइंड में। देन है फॉर्मूला टू एग्जाम्पल। जैसा मैंने कहा, सिंपल इंटरेस्ट हो या कोई भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ भी फॉर्मूला उसे बता दिया जाता है और उस फॉर्मूला का यूज़ वो डिफरेंट एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में करता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स के ज़्यादातर सम्स जो क्वेश्चंस होते हैं, हम उनमें बच्चों को फॉर्मूला बता देते हैं। तो यानी वो सब केसेस में हम डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि का प्रयोग करते हैं, जब हम उन्हें चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही फॉर्मूला बता देते हैं और उस फॉर्मूला का यूज़ करके छात्र जो है डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग की और छात्रों को आकर्षित करता है, यानी कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाए, ये उस पर विशेष फोकस करता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि छात्र बहुत ज़्यादा चैप्टर्स पे या क्वेश्चंस पे या सम्स पे जो है फोकस करते हैं, यानी उनके समस्याओं को समाधान करने की प्रवृत्ति जो है इसमें उसका विकास होता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल मेथड, यानी ये एक व्यवहारिक विधि है। इसे हम मनोवैज्ञानिक विधि तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें लॉजिकल थिंकिंग का कोई यहाँ पर जगह नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिकल मेथड है क्योंकि छात्र जो है इसमें उस फॉर्मूले का यूज़ करके प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से उसका यूज़ करता है। सपोज़ लाभ हानि के फॉर्मूले को हमने बता दिया, अब छात्र जो है उस फॉर्मूले का यूज़ करता है जब वो किसी शॉप में जाता है, जब वो किसी दुकान में जाता है, उस दुकान में कोई चीज़ कोई वस्तु वह खरीदता है, तो दिए गए पैसों से लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है या कितना बच रहा है, ये चीज़ वो प्रैक्टिकली यानी व्यवहारिक तौर पे वो मैथमेटिक्स का यूज़ करना सीखता है। तो ये हुआ डिडक्टिव मेथड के कुछ सिद्धांत
कुछ थ्योरम्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। ओके, थैंक यू।